वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका ज्योतिष ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी खूब अच्छी हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ छत। ये हमारे घर का छत है दोस्तों, और छत के पीछे का बैकग्राउंड, मतलब छत के आसपास का बैकग्राउंड बहुत 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 अच्छा है। और आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप बहुत कम है। तो जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि झारखंड में ज़्यादा गर्मी नहीं और वेस्ट बंगाल में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन ये जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा सा गलत हो गया मेरा। मैं ससुराल आई हूँ, वहाँ का जो मिजाज है इतना अच्छा, इतना अच्छा, इतना अच्छा है कि चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और धूप नाम का चीज़ नहीं है। और मैं भी अपने घर का फ्रंट दिखा रही हूँ। ये मेरे घर का फ्रंट, मेरे हस्बैंड का बाइक खड़ा है। यहाँ पे हम लोग खाना बनाते हैं। और ये है फूल का बागान, मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखा दूँगी। और ये है मेरे खिड़की का बैकग्राउंड, इसमें भी फूल है। हाँ, और मेरे पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा सब नारियल का पेड़, और मेरे इस साइड के भी साइड में आपको दिख रहा होगा सिर्फ नारियल का पेड़। तो और यहाँ पे एक छोटा सा तालाब बनाया गया है, वो भी तालाब है। हवा जैसे चल रही है आप लोगों को मेरे बालों से पता ही चल रहा होगा। और ये है हमारा खेत, वहाँ पे भी मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी। लेकिन वहाँ पे भी मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी। तो अभी मैं आ गई हूँ छत, छत पे ब्रश करूंगी। ब्रश करने के बाद बिस्तर समेटूंगी और उसके बेटे के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, फिर हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनेगा। तो आज का होल डे कैसा बीत रहा है मेरे गांव में, मतलब आप लोगों के साथ पहला दिन, वो मैं आप लोगों के साथ पूरा होल डे शेयर करूंगी। अब मेरा बेटा देख सकते हो टंकी का पानी पूरा फूल गया, प्लास्टिक में दे दियो। तो दोस्तों मिला जुला आज का दिन कैसा रहने वाला आप लोगों के साथ मैं पूरा होल डे शेयर करूंगी। आज दोस्तों मेरा कोई भी ब्लॉग आप लोगों के बीच नहीं आएगा, इसके लिए सॉरी। क्योंकि मतलब आज की बार मंगलवार का कोई भी ब्लॉग आप लोगों के बीच में नहीं आएगा, तो सॉरी फॉर दिस। क्योंकि मैं कुछ ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी और कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए मैं नहीं कर पाई थी। तो अब से कंटिन्यू आप लोगों के बीच ब्लॉग आएगा। ओह, मेरा हस्बैंड बोलते हैं हमारे घर का नारियल दिखा दो, नारियल नीचे है। तो मैं आप लोगों को सब कुछ धीरे धीरे दिखाऊंगी दोस्तों। एक दिन होम टूर करा दूंगी आप लोगों को। तो होम टूर कराने के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि घर इधर उधर बिखरा हुआ है, उसको समेटना पड़ेगा अच्छे से। ओ, पपीता भी दिखाओ, मेरे बेटे का डिमांड है पपीता दिखाओ। कहाँ है बेटा पपीता? वो देखो पपीता। तो अब पापा का नारियल दिखाने का डिमांड और बेटे का पपीता दिखाने का डिमांड, और गुआवा भी दिखा दो। ये लोग आज ही पूरा ब्लॉग में दिखा देंगे, तो इतना दिन ब्लॉग क्या देखेंगे ये। ये पेड़ जो है दोस्तों मेरे हस्बैंड लेके आए थे असम से ना, तो इतना बड़ा बड़ा गुआवा होता है दोस्तों, इतना मीठा। कल हम लोग खाए थे, कल मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई, तो कल हम खाए थे। और भी होगा घर पे, एक दो तोड़ लिए पूरा। और मैं नीचे जाऊंगी तो दिखाऊंगी ना। ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ। मैं ब्रश करने के लिए छत पे आई थी और आप लोगों से बातें करने लगी, तो मेरे हस्बैंड अभी खाली शरीर में है। ठीक है दोस्तों, बाद में बात करती हूँ।
हर दिन की तरह दोस्तों मैं आ गई हूँ आज बिस्तर समेटने के लिए। लेकिन ये आज मेरे पापा का घर नहीं, मेरा अपना घर मतलब ससुराल है। तो ये मेरा बेडरूम है दोस्तों, और बेडरूम में देख सकते हो तीन तकिया मतलब तीन लोगों का है। और जानते हो गर्मी के दिन में ज़्यादा बिस्तर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी देख रही हो मच्छरदानी मैं समेट लूँगी, और मच्छरदानी समेटने के बाद तकिए को भी समेट के अच्छे से और बिस्तर को चादर को झाड़ के रख दूँगी। लेकिन यहाँ पे चादर ज़्यादा गंदा हो रहा है क्योंकि मिट्टी मतलब समुद्री इलाका आप लोग को पता ही है, तो बालू की वजह से बेडशीट ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो मुझे डेली चेंज करना पड़ेगा लगता है। तो मैं ऑलमोस्ट तैयार मतलब बिस्तर को झाड़ ली हूँ दोस्तों, और झाड़ने के बाद चली जाऊँगी बेटे के लिए। तो अभी आ गई हूँ दोस्तों मैं अपने बेटे के लिए पोहा की तैयारी करने के लिए। पोहा में जैसे मैं हमेशा के लिए देती हूँ बीन्स गाजर और आलू, वही काट दूँगी। तो मैं उसे काट ली हूँ और उसे चढ़ा दी हूँ, और एक तरफ मैं काट रही हूँ परवल आलू का भुजिया बनाऊँगी। तो परवल काट ले रही हूँ, ये परवल मेरे बागान का है, खुद के बागान का, तो बहुत खींचा है दोस्तों, और छोटा छोटा है, बड़ा बड़ा सब रख दिया गया, वो बाज़ार में बेच देंगे। तो मैं परवल को छील लूँगी, और छीलने के बाद इसे अच्छे से काट के छोटे छोटे काट के भून लूँगी। ये मूढ़ी के साथ खाने का काम आएगा। तो हम लोग मूढ़ी आज खाने वाले हैं, रोटी नहीं, क्योंकि थोड़ी गर्मी है तो मूढ़ी ठीक है नॉर्मल नाश्ते के लिए। तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी सास और मेरे ससुर जी खाएंगे, मेरा बेटा तो खाता नहीं है, आप लोग को पता ही है। तो मैं ये खाने काटने के बाद चली जाऊँगी चूल्हे में बनाऊँगी, तो वो आप लोग के साथ पता नहीं शेयर कर पाऊँगी कि नहीं। तो अभी तो दोस्तों एक तरफ चढ़ा दी हूँ बेटे के लिए पोहा बनाने की तैयारी। पोहा बनेगा एक तरफ, और एक तरफ बनेगा दोस्तों चाय। हस्बैंड बोले हैं चाय पियेंगे, तो अभी चाय बनाऊंगी और पोहा बना दूंगी। तो दोस्तों मैं अभी सब्जी धो के रखी हूँ, तो सब्जी को डाल दूंगी। आप लोगों को पता ही है पोहा मेरे घर में कैसे बनता है, तो सेम उसी तरह बनेगा। बन रहा है दोस्तों चाय और एक तरफ पोहा। तो मैं भी हल्दी डाल दूंगी और नमक डाल दूंगी, और मेरा बेटा भी तो कंटिन्यूस बदमाशी करता है, आप लोगों को पता ही है। तो उसके बैकग्राउंड से आप लोग आवाज़ मिल रहा है, और ये देख सकते हो मेरे आसपास ही घूम रहा है। मैं किचन में हूँ, मतलब वो भी किचन में रहेगा ही दोस्तों। और चली जाऊँगी थोड़ी देर बाद मैं घर पोछा लगाने के लिए। मेरे घर में सब रूम पोछा लग गया है, लेकिन मैं अपने रूम को पोछा लगा रही हूँ क्योंकि मैं जल्दी लेट से उठी थी, जल्दी मेरी सास मुँह उठी थी, तो उन्होंने अपने घर का पोछा लगा दिया और उनका पूजा भी हो गया है। लेकिन मैं अपने घर का पोछा लगा लेती हूँ क्योंकि मैं लेट से उठी हूँ, अभी कल आई हूँ दोस्तों, तो नींद पूरा नहीं हुआ था, तो हम लोग सब लेट से उठे। तो अभी मैं पोछा लगाने के बाद चली जाऊँगी, कपड़ा धो के नहा लूँगी। तो फिलहाल मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह खा लिया, मतलब खा लिए, बर्तन वगैरह धो ली हूँ, अभी मैं पोछा लगा दूँगी अच्छे से, और फिर वही जो डेली का काम है खाना बनाना, वो भी खाना भी बना लूँगी। लेकिन इससे पहले सोच रही एक बार बागान घूम के आऊँ, मैं कितने दिन हो गए बागान नहीं गई अपने, तो मैं बागान जाऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, अभी बज गया है सुबह का 10, और हम लोग जा रहे हैं अभी फिशिंग करने के लिए। तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहेगा मछली पकड़ने का, ज़िंदगी में कभी नहीं पकड़ी हूँ, तो पहली बार एक्सपीरियंस में चूल्हे में खाना बनाना हो रहा है। मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, करूँगी ज़रूर। और अभी जा रहे हैं हम लोग मछली पकड़ने के लिए, तो मैं आप लोगों को बैक कैमरे से ले जाती हूँ दिखाते हुए कि हमारा जो अच्छा मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं तू शौक से बना, मेरे मतलब मेरी सासू माँ हैं जो, वो उनको मतलब चूल्हे में खाना बनाना अच्छा लग रहा है बैठ बैठ के, तो इसीलिए हम लोग के घर में चूल्हा बाहर बना है अभी। तो मैं जब होम टूर दूंगी तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे घर में मतलब कुछ मतलब यूजफुल एसेसरीज है कि नहीं, तो अभी नहीं बताऊंगी कुछ भी। तो दोस्तों, और अभी जैसे कि मैं जा रही हूँ, देख सकते हो मेरे चारों तरफ ये तालाब है, एक ये तालाब है, और इधर हो रहा है, इधर करेला जो बोलते हैं वो करेले का खेती होगा, इसलिए सब लोग हाँ यहाँ से हर जगह हम लोग के वहाँ पहुँचता है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, यहाँ तक का जितना भी वेजिटेबल्स से सब पहुँचता है, तो यहीं पे उगाया जाता है दोस्तों। तो ये अभी करेले के लिए बनाया गया है इस करेले को, और यहाँ पे पानी स्टोर करके रखा गया है ताकि करेले का पानी जो है पौधों में दिया जा सके, मतलब पानी जो है वो पौधों में दिया जा सके। तो बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को वीडियो में। ओह अच्छा, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि इसमें बीज लग गया है, तो ये थोड़े दिन बाद पौधा निकल आएगा। और यहाँ का इंटरेस्टिंग चीज मैं हर चीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अभी आप लोगों को ब्लॉग बहुत अच्छा लगने वाला होगा।
माने तू मोटा मां। अच्छा ठीक, तो मैं अभी आप लोगों को बैक कर से हमारा खेत दिखाती हूँ, फिर हमारे घर में क्या क्या उगा है वो दिखाती हूँ। तक तो दोस्तों ये देख सकते हो हम लोग जा रहे हैं अपने खेत की तरफ। ये हमारा खेत नहीं है, ये किसी और का खेत है। तो खेत की तरफ जाते हुए हम लोग तालाब में जाएंगे। तो ये बगल में भी तालाब है, लेकिन उस तालाब से मछली नहीं पकड़ा जाएगा, आज पकड़ा जाएगा बड़े वाले तालाब से मछली। तो मछली देख सकते हो तालाब में बहुत सारी लकड़ी फेंका हुआ है ताकि कोई दूसरा जाल ना फेंक सके। और ये जो नारियल पेड़ है वो हमारा ही है, तो चारों तरफ नारियल का पेड़ भी है, अमरूद का पेड़ है, आम का पेड़ है, केला। दोस्तों मैं आ गई हूँ जहाँ मछली पकड़ूंगी वहाँ। और ये देख सकते हो ये छोटा सा एक आम, छोटा नहीं ये आमफान आया था जब दोस्तों, तो ये पूरा तांडव मचा के गया है हमारे यहाँ। तो हमारा बहुत सारा नारियल का पेड़ गिरा दिया है, आम का पेड़ गिरा दिया, मेरा ही नहीं सब इस गांव के सभी लोगों का, आसपास के जितना भी एरिया वहाँ का। तो एक आम का पेड़ गिर गया है दोस्तों, फिर भी इसमें आम आया है, आप देख सकते हो। मतलब कितना मजेदार, मतलब क्या बताओ, मैंने इससे पहले कभी भी उपभोग इतना अच्छा नहीं किया है लाइफ में। और ये एक आम का पेड़ है हमारा, ये एक आम का पेड़ है बबड़े। और दोस्तों और एक ये आम का पेड़ है हमारा। देख सकते हैं इसमें भी आम आई है। तो दोस्तों और यहाँ पे एक तालाब है, मैं आप लोगों को वो तालाब भी दिखा देती हूँ। मछलियां है दोस्तों, तो अभी हम लोग एक ही तालाब से मछली पकड़ेंगे, दूसरे तालाब से नहीं पकड़ेंगे, वो किसी और दिन पकड़ेंगे। और हमारा और एक तालाब है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, वो हमारे घर के पीछे ही है। और आज जैसे कि मैं थोड़ा सा ही आप लोगों को दिखाऊंगी, उसके बाद आप लोग को दूसरे दिन दिखाऊंगी। तो अभी मैं मछली पकड़ लेती हूँ, मछली पकड़ने का इंजॉयमेंट ले लेती हूँ। मेरा हस्बैंड अभी देख सकते हो की बोले बर्ड्स बोर्ड सी पे है के मछली पकड़ रहे हैं। तो उसमें आटे का गोला दे दिया है, आप लोगों को पता ही होगा जो व्यूअर्स हो मेरे को उनको। तो देख सकते हो दोस्तों मेरे हस्बैंड जो है बोट से फेंक के मछली पकड़ लिए हैं, और वो दूसरा बार चांस था जिसमें उनका मछली फंस गया है। तो ये मछली तिलापिया मछली है, ये बहुत स्वादिष्ट होता है खाने में। और उसके बाद मैं पकड़ने की कोशिश करूँगी, इतना जिंदा उछलता हुआ मछली है। मैं देख रही हूँ कुर्सी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरे नसीब में इतना अच्छा कुर्सी लिखा हुआ है मछली आएगा। तो मछली के बिना ही मुझे निराशा से लौटना पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोले तो अच्छे से फेंक नहीं रही है, तो नज़दीक फेंक रही है, मिट्टी के पास मछली नहीं आए, मछलियाँ नहीं आएंगी। तो दूर फेंक रही हूँ फिर भी नहीं आ रहा, और मेरा बेटा कंटिन्यूस उसको उठा दे रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है मछली को। सबको आटा खाने के लिए बिल्कुल नहीं आएगा। और मेरे ससुर जी देख सकते हो पीछे रख रहे हैं उसको, उठा उठा के फेंक रहे हैं, मतलब साइड में रख रहे हैं, फिर उसको पानी में डाल देंगे, क्योंकि ये मछली फेंकने वाला है। तो मुझे मेरे में मछली नहीं आया दोस्तों, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे बोर लग रहा है बैठ बैठ के। और अभी आ गए मेरे हस्बैंड जाल फेंकने के लिए, पूरा डंडी उठा दिया गया है, फिर डंडी को वापस पानी में डाल देंगे। तो जाल फेंक दिया और उसको धीरे 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 करके खींचेंगे अपनी ओर। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा स्पीड में दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि लेट से दिखाऊंगी तो फिर आप लोग स्किप करके भाग जाओगे। तो देख सकते हो मछली आ गई। हाँ आई, बहुत सारी मछलियाँ आई। तो जिसमें से जो मछली खाना है वो रखेंगे, नहीं तो बाकी वापस पानी में डाल देंगे। तो कौन सी मछली आई, ये कातला मछली है दोस्तों। क्या क्या मछली मुझे नहीं पता है, रोई कातला वो सब होगा। तो फिर फेंकेंगे बोल रहे मेरे हस्बैंड। तो देख सकते हो और एक जाल फेंके जिसमें बहुत बड़ा बड़ा मछली आ गया है। तो कौन सा पांगास टेंगड़ा है, उसके बाद है रूपचंद मछली है, कातला माछ है, ये सब आया है, बहुत बड़ा बड़ा मछली आया है जो जाल को फाड़ के निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अभी मेरे हस्बैंड पूछ रहे तू कौन सा मछली खाएगी। तो मुझे आज फंगस मछली नहीं खाने का मन है, मैं आज कातला लूँगी और रूपचंद मछली लूँगी। देख सकते हो जाल में किस तरह से फंस गया, और मेरे हस्बैंड उसको छुड़ा रहे हैं। तो अभी मैं इसमें बोरे में डाले जा रही हूँ, और ये और मेरा बेटा उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरा बार फिर से जाल फेंका गया दोस्तों, कि जो मछली बसंत का आएगा उसे फाइनली हम रख लेंगे, क्योंकि बार बार जाल फेंक के परेशानी हो रही है, मतलब धूप बहुत तेज है और लेट भी हो रही है खाना बनाने में। तो अभी जाल में कौन सा मछली आया है चलो देख लेते हैं। तो जाल में आया है कातला मछली, बहुत बड़ा आ गया, और ये देख सकते हो रूपचंद मछली कितना।
और मैं दोस्तों नहाने के बाद आ गई हूँ सीधा खाना बनाने के लिए। इस तरफ परवल आलू और गाजर देखे सिर्फ झोल बनेगा बेटे के लिए, और एक तरफ मछली फ्राई कर रही हूँ। तो सासू माँ हल्दी और नमक मिला रही है और दूसरी मछलियों में, तब तक मैं इन सबको खाने को बना लेती हूँ। तो मैं नहाने के बाद सीधे ड्रेस चेंज करने के बाद सासू माँ काट के रखी थी सब्जी वगैरह, और सासू माँ मछली को भी काट दी थी और हल्दी नमक लगा दी थी। मैं सिर्फ खाना बनाने का काम कर रही हूँ दोस्तों, बाकी सब काम मम्मी ने कर दिया है। तो मेरा भी एक खाना बन गया दोस्तों और मछली भी फ्राई हो गया है। तो मैं मछली को एक थाली में निकाल निकाल के रख लूँगी, और दूसरी तरफ बेटे का वही वो भी पकी गया है ऑलमोस्ट। तो बेटे का जो ग्रेवी वो पकने के बाद उसमें फिर हम लोगों का झोल बनेगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा बेटा झाल नहीं खाता है, मतलब तीखा नहीं खाता है बिल्कुल भी। तो उसमें थोड़ा पानी डाल के इसको ढक दूंगी ताकि आलू परवल फिर से सिज जाए, और एक तरफ मछली का फ्राई कर रही हूँ। बहुत सारा मछली है दोस्तों, इसलिए भून भून के रखने में टाइम लग रहा है। और देख सकते हो मछली पूरा फ्राई हो चुका है, और इसमें मैं डाल दी मछली का अंडा। उसमें सिर्फ बेसन नहीं दी, प्याज और मिर्ची और हल्दी नमक दे के उसको फ्राई कर लूँगी, क्योंकि बेसन नहीं है अभी घर पे मतलब फिलहाल, क्योंकि कोई खाता नहीं। तो दोस्तों ऑलमोस्ट खाना बन गया है दोस्तों। तो एक तरफ बना है आप लोग को जैसे कि दिखा रही हूँ मैं, एक तरफ बन रहा है मछली का झोल, ये कसा हो गया है, जो बस पानी डालना बाकी है, तो पानी डाल देती हूँ। और दूसरी तरफ बन रहा है मछली देखे पॉक, जिसमें कोबड़ा, लाल आलू, आम, आलू और भिंडी देखे, इसका स्वाद बनेगा मतलब खट्टा बनेगा। और देख सकते हैं चूनो माछ का, एक चूनो माछ होता है दोस्तों, उसका चचूड़ी बोलते हैं, वो बना है। और मैंने हाँ अंडे का बीज, अंडा मछली का अंडा मतलब उसको बीज बोलते हैं, वो बना है। और यहाँ मछली फ्राई है दोस्तों, देख सकते हैं। और उसके नीचे बना है झोल बाबू का, मतलब कुछ भी डाल बिना डाल के झोल बना है। तो आज हमारे लंच मेनू में बस इतना ही होगा, और चावल दो तरफ बना। तो दोस्तों आज का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी जल्दी खाना बन जाता है और गैस में बहुत टाइम लगता है। तो आज का दिन तो मज़ेदार रह रहा है मेरा, आगे पता नहीं कैसा रहने वाला है। अभी जाऊंगी मैं झोल चढ़ाने के बाद बेटे को खिलाने के लिए, तभी मैं चली जाऊंगी बेटे को खिलाने, और इसमें मेरी सासू माँ भी हल्दी नमक डाल देगी। तब तक मैं जाऊंगी झोल बेटे को झोल के साथ चावल खिलाने के लिए, मतलब ग्रेवी के साथ चावल खिलाने के लिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों। बेटे को खिला के सुलाने के बाद मैं आ गई हूँ, मेरे हस्बैंड आ गए और मेरी सासू आ गए, हम तीनों खाने के लिए, और बातें कर करके खा रहे हैं। तो बहुत तरह का खाना है, मछली वगैरह बना है, तो खाने में थोड़ा टाइम लगेगा। पूरा पूरी खाने में मुझे 20-25-30 मिनट लगा था दोस्तों। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा छोटा करने के लिए आप लोग को पहले ही वीडियो एडिट करने से पहले ही मैं उसको काट दी हूँ। तो अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरे प्लेट में इतना जल्दी जल्दी खाना क्यों ख़त्म हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारा सब्जी जो है वो नहीं ली हूँ, और बहुत सारा ली हूँ, मतलब कुछ कुछ ली हूँ कुछ कुछ नहीं ली हूँ, ऐसा है। तो अभी मैं मछली को चुन चुन के खा रही हूँ और बातें भी कर रही हूँ, हम लोग का बातों का अड्डा भी जम गया है। और मैं अपने हस्बैंड को कुछ दे भी रही हूँ और उनसे कुछ ले भी रही हूँ। तो मछली का झोल देके खा रही हूँ, अभी देख सकते हो मछली हस्बैंड को दे दी, फिर मेरे हस्बैंड एक साइड रख दिए मछली को, मतलब हम लोगों का ऐसे ही खाना चलता है, कभी मैं उनको देती हूँ कभी वो मेरे को देते हैं। तो आज खाया नहीं जा रहा है दोस्तों, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड को भी और मुझे भूख ही नहीं लग रही है। हम दोनों ने बहुत थोड़ा थोड़ा करके खाना लिया है, फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा है। आज मन ही नहीं कर रहा है खाने का, मतलब गर्मी नहीं है फिर भी पता नहीं क्यों, मछली बहुत दिनों बाद हम लोग इतना सारा खा रहे हैं, शायद इसीलिए क्या हो सकता है। और अभी प्लानिंग भी कर रहे हैं कि कल हम लोग कहीं घूमने जाएंगे ऐसे, और शाम को तो जाएंगे ही, ये तो कंपलसरी है हमारा यहाँ आने के बाद घूमना, मतलब डेली दो टाइम हम लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते ही हैं। तभी हम लोग खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं अभी दवाई भी नहीं खाई हूँ, और दवाई क्योंकि मेरा अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, आपको पता है हाइपर टेंशन हो गया है, तो दवाई भी चल रहा है, दवाई नहीं खाई तो उसकी वजह से मेरे हस्बैंड मुझे डांट भी रहे हैं। मैं सुबह सुबह खाती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा काम हो गया मुझसे, तो अभी हम लोग दोस्तों जा रहे हैं घूमने के लिए। घूमने बोले तो एक मतलब एक बाजार लगता है यहाँ पे लोकल, यहाँ पे बहुत सारा बाजार लगता है, लेकिन अभी बच गए जैसे कि 6, तो हम लोग एक बाजार होता है यहाँ लोकल, तो वहाँ जाएंगे, अगर मछली आए पसंद तो मछली भी खरीद लेंगे, इसीलिए जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड मेरे को लेके जा रहे हैं कि तू पसंद करेगी तो खा लेंगे। शाम को मैं बोली आप तो बोलते मैं फ्राई नहीं खाऊंगा, तो वो बोल रहे नहीं बनाएगी तो खा लूंगा। तो मैं और मेरा बेटा तैयार है,
ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ और आप लोगों को साथ में लेके जाऊंगी और वहाँ पे जरूर दिखाऊंगी कि वहाँ पे कौन सा दुकान लगा है और कैसा कैसा बाजार लगता है, लोग वहाँ पे कैसे खरीद बेच करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बने रहो मेरे ब्लॉग के साथ। तो अभी मैं, मेरे बेटे, बेटा और मेरे हस्बैंड, हम तीनों निकल गए बाइक में खेतों की तरफ से होते हुए, एक शॉर्टकट रास्ता है वहाँ से हम लोग बाजार जाएंगे और वहाँ से मेरे नाना ससुर का भी घर नज़दीक है तो वहाँ पे भी जाने का सोच रहे हैं, पर पता नहीं आज जा पाएंगे कि नहीं। तो अभी देख सकते हो हम लोग आ गए हैं बाज़ार और बाज़ार में बहुत वेराइटीज़ का सब्जी मछली रखा है। तो मछली का बाज़ार थोड़ा दूर, मतलब वहीं पर बाहर थोड़ा अलग से है। तो सब्जी देख सकते हो कितना ताज़ा था, फ्रेश फ्रेश है। यहाँ का सबसे मतलब स्पेशलिटी ये है कि दोस्तों यहाँ पर सब तरह का सब्जी उगता है और बहुत फ्रेश मिलता है, मतलब ताज़ा बागान से आके हम लोग को डायरेक्ट हाथों में मिल जाता है। मतलब ऐसा देख सकते हो हमें ड्रम स्टिक को कितने अच्छे से सजा के रखा गया, मतलब कुछ भी इसमें ये नहीं है कि ये बासी, मतलब हमें दो तीन दिनों का बासी सब्जी मिलेगा, एकदम फ्रेश फ्रेश एकदम फ्रेश, अभी अभी तोड़ा अभी मिला, ऐसा वाला हाल है यहाँ पर। तो अभी मैं देख सकते हो दोस्तों छोटा सा ये मछली का दुकान लगा हुआ है, तो यहीं से हम लोग प्रॉन्स लेंगे। ये सब सी फिश है दोस्तों, मतलब सी फिश हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं अपने मौसी सास के दुकान में। तो उनका बहुत ह्यूज कलेक्शन का दुकान है, जैसे साड़ी का है, नाइटी का है, स्टेशनरी का है। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे खरीद बेचा के ना कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं और मैं कस्टमर हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ स्टेशनरी का सामान भरा पड़ा है। मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ, पूरा दुकान का टूर कराती हूँ। ये मौसी सास का मेरा दुकान है कपड़े का, बहुत ह्यूज कलेक्शंस रखते हैं ये, मतलब शांतिपुर का साड़ी, ढाका बांग्लादेश का साड़ी, फिर सूरत का कपड़ा, बहुत कुछ रखते हैं वैरायटीज़ में। तो मेरे हस्बैंड और मैं और मेरा बेटा आए हैं, तो मौसा जी बोल रहे हैं क्या लेना है बताओ। तो वो हम लोगों से कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेते हैं, हम लोग को बहुत रिजनेबल प्राइस में जो खरीदने वाला दाम है उसी से हम लोग को दे देते हैं। तो यहाँ पे स्टेशनरी का भी सामान नज़र आ रहा है, तो मैं कुछ लूँगी सोच रही हूँ, तो देखती हूँ जो मुझे पसंद आए मैं लूँगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलती हूँ मैं कल आप लोगों के साथ नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक